द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ा नेता वो नहीं होता है कि जिसके पीछे बहुत बड़ा काफिला हो या फिर वो कई लोगों से घिरा हुआ हो। बड़ा नेता वो होता है जो वाकई में जन नेता हो, जिन्हें जनता के दर्द से तकलीफ होती हो और उस दर्द में वो शामिल होकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त ऐसे नेता गिने चुने हैं। राहुल गांधी आज अपने घर से संसद के लिए निकल रहे थे। आप अपने स्क्रीन पर बस वीडियो देखिए। घर से निकले हैं, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक स्कूटर सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका स्कूटर जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ था, वो भी गिरा हुआ था। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, वो उतरे और उस व्यक्ति के पास पहुंचे और वहां उन्होंने उनसे हालचाल पूछा और कहा कि ये हादसा कैसे हो गया। उन्हें समझाया कि आप गाड़ी जरा सावधानी से चलाएं। सारे घटनाक्रम पीछे से किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। राहुल गांधी को यह पता नहीं चला कि उनके आगे पीछे कौन है जो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन यह दृश्य जिसने भी देखा वह आश्चर्य में पड़ गया कि राहुल गांधी वाकई में ऐसे नेता के तौर पर उभर आए हैं जिन्हें जनता से ही मतलब है, जनसेवा ही उनका ध्याय बन चुका है। ऐसे में आप देखेंगे जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब भी राहुल गांधी इसी रूप में दिखाई पड़ते थे और अब भी राहुल गांधी के कई ऐसे वीडियो फुटेज सामने आते हैं जो बता रहे हैं कि वो आम लोगों से कितने कनेक्टेड हो चुके हैं, कितने जुड़े हुए हैं। जो विरोधी नेता राहुल गांधी को सोने की चम्मच, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ नेता मानते थे, प्रिविलेज्ड नेता मानते थे, उन्हें इस वक्त आंखें खोलकर देखने की जरूरत है कि राहुल गांधी किस तरीके के नेता हैं, कैसे उन्होंने खुद को निखारा है। अब वो जन नेता हैं। दरअसल हम बार बार कहते हैं जनता का नेता वही होता है जो जनता के बीच हो, जनता का दर्द समझता हो, ना कि सिर्फ भाषण देकर जुमलेबाजी करके अपना काम अपना उल्लू सीधा कर लेता हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने हादसाग्रस्त व्यक्ति को देखा तो वो बिना सोचे समझे रुक गए और उतरे, उनसे जाकर मिलते हैं। कितने नेता ऐसे कर रहे हैं, कितने नेता आपको इस तरीके से मददगार के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जरा खुद में झांक के देखिएगा कि आपके ही क्षेत्र के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक क्या कभी इस तरीके से मदद करते किसी की नजर आए हैं। और जब भी मदद करते नजर आए हैं तो लाव लश्कर के साथ पहुंचे, कंबल बांटा है और गरीबी भगाने का दावा करके निकल पड़े। लेकिन राहुल गांधी ने जो किया है अब उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। जरा यह वीडियो आप खुद देखिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा। आवाज थोड़ी कम है लेकिन अब बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि राहुल गांधी उस इंसान से कितना हमदर्दी रख रहे हैं। चलो चलो चलो, पीछे रहो, पीछे पीछे, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, पीछे रहो, हाँ पीछे रहो, पीछे पीछे है, पीछे है भाई, थोड़ा सा गैप देखना, माइक लगा बैठा है। तो देखा आपने इस वीडियो को, अब कई मीडिया वेबसाइट से लेकर कई ट्विटर यूजर भी शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप आज तक की खबर ही देखिए। आज तक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हेडलाइन में लिखा है, राहुल गांधी के सामने सड़क पर गिर गया स्कूटर सवार, तुरंत की मदद। देखिए वो वीडियो दिखा रहे हैं, ब्रीफिंग में जो लिखा है वो देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अपने घर से निकले, तभी उनके सामने एक स्कूटर सवार शख्स गिर गया। उसे देखकर राहुल अपनी गाड़ी से उतरे और उस शख्स को उठाया। इसके बाद राहुल अपनी गाड़ी में सवार होकर संसद की ओर चले गए, यानी वहां उन्होंने मदद की, नेकी की, दरिया में डाले और चलते बने। इसका मतलब यह होता है कि आप अपना फर्ज निभाते जाइए, कर्म करते चलिए, ऊपर वाला देख रहा है कि आप कितनी मदद किसको कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जो इंसानियत का काम यहां पर दिखाया है, जिस तरीके से वो हादसे के शिकार हुए उस स्कूटर सवार व्यक्ति से मिलने पहुंचे, तो यह खबर अगर मोदी जी के साथ हो गई होती तो गोदी मीडिया लहालोट होकर 24 घंटे इस खबर को दिखाती, लेकिन चूंकि यहाँ राहुल गांधी हैं
तो राहुल गांधी की खबरों को अब आज तक जैसे बड़े बड़े चैनलों ने छोटे से एक वीडियो में कवर करके समेट दिया है, और इसे ही तो फिर गोदी मीडिया कहते हैं। देश से लेकर विदेश तक इस वक्त राहुल गांधी की चर्चा है। कैसे उनके सांसदी मानहानि केस में छीन ली गई, मार्च में सांसदी गई, अगस्त में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगाई, फिर से वो पार्लियामेंट में आ पाए, और इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर वो जोरदार बहस भी कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार राहुल गांधी से परेशान हो उठती है, क्योंकि राहुल गांधी के सवाल काफी चुभने वाले होते हैं और इसका जवाब देने की स्थिति में सरकार नजर आती नहीं है। अब राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में हैं और वहां बहस जारी है, तो फिर देखना होगा कि राहुल गांधी जब सवाल करेंगे या फिर अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी राय रख रहे होंगे तो सरकारों की स्थिति क्या हो जाती है। क्या उनके पास वाकई में इस बार भी कोई जवाब है, या फिर कोई साजिशों का खेल शुरू होने वाला है, इसके लिए भी नजर बनाए रखना पड़ेगा। यहां देखिए, रणविजय सिंह ने एक ट्वीट किया है राहुल गांधी के उसी वीडियो को शेयर करते हुए। इसमें लिखा गया है, राहुल गांधी संसद की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी स्कूटर से गिर गया, राहुल ने अपना काफिला रुकवाया और उस आदमी की मदद करने के लिए आ गए। रणविजय सिंह ने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के उन तमाम गतिविधियों को बताने की कोशिश की है कि देखिए कैसे कोई नेता अपने काम से जा रहा होता है, लेकिन सड़कों पर जब वह कुछ अनुचित देखता है, जहां पर लगता है कि उन्हें रुकना चाहिए, वो तुरंत रुकते हैं और मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो कितने बड़े कद के नेता हैं या कितने छोटे कद के नेता हैं। यहाँ पर बात नेकी और इंसानियत की होती है, एक जनता के नेता की बात होती है, जननेता की बात होती है। तो ऐसे दृश्य आपको सुकून देते हैं कि समाज में ऐसे भी नेता हैं जो आपके मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। आइए अगला ट्वीट देखते हैं। सीमा पंडित ने एक ट्वीट किया है इसी वीडियो को शेयर करते हुए, और इसमें उन्होंने लिखा है, तुम कितना भी विरोध कर लो, गालियां दे दो, पप्पू बोल लो, जब बात आएगी संस्कार की, बात आएगा इंसानियत की, इसका नाम जरूर लेना पड़ेगा। दिल्ली 10 जनपद से बाहर निकलते वक्त राहुल गांधी ने पास ही एक दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर सवार से बात की, अपनी कार से उतर के वे तुरंत स्कूटर सवार के पास पहुंचे, वहां उन्हें समझाया, सब कुछ देखा गया, कैमरे में कैद हुआ है। और राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं किए हैं, हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब भी राहुल गांधी सड़कों पर चले तो माता बहनें बच्चे यहाँ तक कि जो जानवर थे सबको उतने ही प्यार से गले लगाया, सबको मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली और इंसानियत बांटा। दरअसल बीते 8-9 सालों में जितने नफरत की बातें देश में हो गई हैं, उस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतर आए थे। वो एक गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन कांग्रेस को इससे बड़ी संजीवनी मिल गई। इसके बाद राहुल गांधी कभी टेम्पो में, कभी ट्रक में, तो कभी महिलाओं के बीच, कभी बसों में, हर जगह आपको दिखाई पड़े, कभी आम लोगों के बीच, कभी छात्रों के बीच, राहुल गांधी सबसे जुड़ते जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो कनेक्ट हो चुके हैं। तभी तो कोई इंसान दिखावा नहीं करता, जहां भी वो बहुत ही सादगी से पहुंचते हैं और अपनी बातें करते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, और ऐसे ही उनका कारवां बढ़ता जा रहा है। इस वक्त चर्चा सबसे अधिक हो रही है कि राहुल गांधी ने कैसे अपनी गाड़ी रोककर संसद जाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर सवार की मदद की है। अक्षय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी देखिए। उन्होंने लिखा है कि उस दौरान बातचीत में क्या हुआ, उस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय सिंह ने लिखा, आपको चोट तो नहीं लगी, रास्ते में जाते समय राहुल गांधी जी ने देखा कि एक स्कूटर चालक बीच सड़क पर गिर गया है, वे गाड़ी रुकवाकर चालक के पास गए और उसका हाल पूछा। ऐसा कुछ अगर मोदी ने किया होता तो आज गोदी मीडिया हमें जीने नहीं देती, 24 घंटा यह खबरें चलती, लेकिन राहुल गांधी की खबरें आपको बहुत छोटे से हल्के में एक लाइन में निकल जाएंगी। लेकिन मोदी जी अगर एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं तो वो 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर बन गई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।